एक्ने से हर कोई है परेशान, क्योंकि सबको ही है एक्ने की प्रॉब्लम से नुकसान। जी हाँ, आज जानेंगे क्या है मिथ्स और फैक्ट एक्ने के। आज हमारे साथ है हमारी मेकअप और ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल जी, जो बताएंगी क्या है मिथ्स और फैक्ट एक्ने के। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। हेलो। एक्ने आखिर होता क्या है मैम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्ने आखिर होता क्या है। अक्सर मैंने देखा है लोग कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं बिना ये जाने कि वो जो प्रॉब्लम है वो एक्ने है भी या नहीं है। एक्ने एक्चुअली वो प्रॉब्लम है जो हमारे सीबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी से रिलेटेड है। हमारे सीबेशियस ग्लैंड में और हमारे जो पोर्स हैं स्किन के ऊपर, अगर कोई ब्लॉकेज आ जाती है उसकी वजह से वहाँ जो इन्फेक्शन हो जाता है वो एक पस वाला बॉयल बन जाता है छोटा सा, और उसको एक्ने कहते हैं। अक्सर ये बहुत डीप रूटेड हो जाते हैं जिसकी वजह से ये स्कार छोड़ जाते हैं। तो एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको बहुत प्रॉपरली डील करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, इट्स गुड कि आप जाने कि वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। रजनी जी, सबसे बड़ा मिथ पहला ये है कि अगर हम टेंशन में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, तो जो एक्ने होता है वो हमारे फेस पर दिखने लगते हैं, उभर कर आ जाते हैं। ये कितना बड़ा फैक्ट है। स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस के कम सिक्रीट होने की वजह से, वही कारण है कि एक्ने हमारी बॉडी में बनते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि स्ट्रेस की वजह से एक्ने हो रहे हैं, तो एक हद तक ये ज़रूर ठीक है, बट अदरवाइज आपके ब्लड में अगर टॉक्सिसिटी का लेवल हाई नहीं है तो आपको स्ट्रेस की वजह से एक्ने नहीं हो सकते हैं। जी, दूसरा मिथ ये है रजनी जी कि अगर हम ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं तो जो ऑयल होता है वो हमारे फेस पर आने लगता है, उसकी वजह से एक्ने जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये कितना ज़रूरी है और ये कितना सही है। थोड़ा भी वीकनेस है हमारे ऑयल एब्जॉर्प्शन में तो उसकी वजह से हमें एक्ने हो सकते हैं। तो अगेन आई वुड रिकमेंड कि डाइट का ध्यान रखें ज़रूर, और एक्ने की फॉर्मेशन के लिए कोशिश करें कि बिल्कुल ऐसे सोप्स का इस्तेमाल करें जो कि हमारे फेस को ऑयल फ्री रखें, और ताकि वहाँ पर ऑयल की एक्यूमुलेशन की वजह से एक्ने ना हो। जी, तीसरा मिथ ये होता है रजनी जी कि अगर हम कोई भी एक्ने होता है हमारे फेस पर, अगर कोई भी डेवलप हो चुकी है पिंपल या एक्ने, तो उसके अगर हम से टूथपेस्ट लगा ले कोई सा भी तो वो बैठ जाता है या फिर वो हट जाता है। ये भी एक मिथ है कि टूथपेस्ट लगाने की वजह से एक्ने बैठ रहा है। एक्चुअली एक्ने एक हीट की प्रॉब्लम है, यानी कि उन ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़ में हीट बढ़ गया है जिसकी वजह से एक्ने हो रहा है। तो अगर हम कोई भी ठंडी चीज़ लगाते हैं उससे एक्ने का फ़र्क पड़ता है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप फेस के ऊपर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी स्किन को जला देंगे, जिसकी वजह से एक्ने सूख जाने के बाद भी जो स्कार बनेगा उसमें आपका पूरी तरह से स्किन जो है रीजेनरेट नहीं होगा। तो हमेशा एक्ने को ख़त्म करने के लिए केवल वही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन को जलाए नहीं, केवल ठंडक दें। टूथपेस्ट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। रजनी जी, जाते जाते क्या आप कोई टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? डेफिनेटली, अगर आपके फेस पर एक्ने की एक रीअकरेंट प्रॉब्लम है, आपको बार बार एक्ने होता है, हमेशा याद करें कि फेस को अच्छे से साफ करें, प्रोटेक्टिव लोशन ज़रूर लगाएं सो दैट आपकी स्किन के ऊपर डस्ट पेनिट्रेट ना हो पोर्स में। पोर्स को बंद रखने के लिए आप रेगुलरली स्किन टॉनिक का इस्तेमाल करें आफ्टर वॉश, और अगर कोल्ड बिल्कुल चिल्ड रोज़ वाटर का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। इसके अलावा डाइट में खास तौर पे कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीजिए, फ्राइड फूड को अवॉइड कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, आप अगर प्रिजर्व्ड फूड्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करेंगे 90% एक्ने होंगे ही नहीं। तो इनफैक्ट हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाने की वजह से ही एक्ने होते हैं। इस वजह से सब लोगों को एक्ने नहीं होते, केवल उन लोगों को एक्ने होते हैं जिनकी बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल हाई होते हैं। दैट मीन्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू प्योरीफाई योर बॉडी एंड योर ब्लड अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पर एक्ने ना आए। फ्रेश फ्रूट्स खाएं, कोशिश कीजिए ताज़ा खाना खाएं, और बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत डीप फ्राई खाना अवॉइड कीजिए। थैंक यू रजनी जी। तो आज हम सबने जाना क्या था मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट एक्ने। आई होप आप सभी को ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे ब्यूटी पार्लर का हिस्सा तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है jforw@pragyatv.com। लेकिन आप कहीं जाइए मत, देखते रहिए जस्ट फॉर वुमेन।